Revision petition under section 115 of CBC 1908 is not maintainable, and if in certain case you have filed an application under order 9 rule 13 of CBC 1908 to set aside the ex parte decree and it has been dismissed by the court. And if you want to challenge that ex parte decree and your application has been dismiss, that is under order 9 rule 13, and if you go against that ex parte decree in high court and you file a revision, civil revision for that, it is not maintainable. So let's discuss on this topic on my YouTube channel. Stay tuned with me. So what is this case study is about and what is the case title for that? The case study and the case title is, it's a special leave petition in Supreme Court, and the case title is Kaushik Mutually Aided Cooperative Housing Society versus Amina Begum. So this special leave petition number is 5489/2021. So special leave petition has been filed in the Supreme Court. So what is this case about and ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो यहाँ पे सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं, सॉरी जो सेक्शंस हैं, एंड ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर इफ़ यू वांट टू चैलेंज समथिंग. सो हियर द मेन थिंग इज़ नॉट द स्टोरी बिहाइंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट हियर इट हैज़ बीन क्लियरली एक्सप्लेन हाउ यू कैन फाइंड द रेमेडी इफ़ समथिंग हैज़ हैपन इन द ट्रायल कोर्ट और द लोअर कोर्ट. यहाँ पे क्या हुआ है कि what has happened in this case study is that appellant has filed a suit for the decree of in specific performance of an agreement to sell. तो यहाँ पे appellant ने specific performance की decree pass करने के लिए, ताकि वो एक particular चीज़ को बेच सके, वो उसके लिए suit file किया था. and the civil court has passed an ex parte decree and अकॉर्डिंग टू विच मीन्स अकॉर्डिंगली एक एक्स पार्टी डिग्री जो है वो पास कर दी गई थी सिविल कोर्ट के द्वारा. लेटर R1 ने क्या फाइल किया, एक एप्लीकेशन फाइल की विद कंडीशन ऑफ डिले, मीन्स लिमिटेशन एक्ट ऑफ सेक्शन 5 ऑफ 1963 के अंडर एक कंडीनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दी, और एक एप्लीकेशन दी अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 टू सेट असाइड दी एक्स पार्टी डिक्री. तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी सिविल कोर्ट के द्वारा, एक एक्स पार्टी डिक्री पास की गई थी जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी 1908, एंड उसके साथ साथ विद कॉर्डिनेशन ऑफ डिले दैट इज लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 सेक्शन 5 के अंडर एप्लीकेशन इसलिए फाइल की गई थी ताकि जो एक्स पार्टी डिग्री है उसे सेट असाइड किया जा सके. बट उस डिग्री को सेट एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड नहीं किया गया, बल्कि उस एप्लीकेशन को ही डिसमिस कर दिया गया. और जब एप्लीकेशन डिसमिस हुई जो कि एक्स पार्टी डिग्री फाइल की गई थी, फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो हाई कोर्ट गए एंड वहाँ पे उन्होंने सिविल रिविजन फाइल की. ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 के द्वारा हुआ, ताकि जो एक्सपायरी डिग्री पास की गई थी उसके लिए एक रेमेडी वो फाइन कर रहे थे. सो व्हाट दे फाउंड इन दैट रेमेडी कि अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 एंड विद कंडीशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी वो तो डिसमिस कर दी गई. सो ही थॉट दैट ही शुड गो टू हाई कोर्ट एंड फाइल अ सिविल रिविजन फॉर दैट. बट व्हाट हैज हैपेंड एंड कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हुए इन द हाई कोर्ट, क्या उनकी सिविल रिविजन को एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया, इसी पे ये चीज़ें बेस्ड हैं. और इससे क्या आगे के क्वेश्चंस अराइज होते हैं और इसमें क्या क्या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और क्या ऑब्जर्वेशन दिए कि हाउ कैन ही ऑफर दी रेमेडी, सो उसी चीज़ के बारे में इस पूरे पर्टिकुलर जजमेंट में क्लियरली डिफाइन किया गया है. एज ऑर्डर 9 रूल 13 एप्लीकेशन दैट इज टू सेट असाइड एक्सपायरी डिग्री दैट हैज बीन डिसमिस्ड बाय द लोअर कोर्ट, एंड तुरंत ही वो सब्सिक्वेंटली ही हाई कोर्ट मूव कर गए, मीन्स R1 मीन्स रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 मूव कर गए विद सिविल रिविजन. नाउ अगर सिविल रिविजन जो है वो अलाउ की जाती फ्रॉम दी हाई कोर्ट्स एंड, देन
जो एप्लीकेशन डिसमिस की गई थी अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 विद कॉन्डिनेशन ऑफ डिले के जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसके अकॉर्डिंग वो भी अलाउ हो जाती इन दी लोअर कोर्ट, राइट। एंड उससे क्या होता, सिविल रिविजन जो एक्स पार्टे डिक्री सिविल रिविजन फाइल होती है अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी 1908, कि कोई अगर ज्यूरिसडिक्शन दिया हो उसमें कोई एरर हो तो आप उसमें ज्यूरिसडिक्शन एरर को चैलेंज कर सकते हो इन हाई कोर्ट। यहाँ पे एक्स पार्टे डिक्री थी एंड वहाँ पे एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड करने के लिए जो कि ऑर्डर ऑर्डर 9 रूल 13 में है, उसके साथ साथ उन्होंने एक कॉन्डिनेशन ऑफ डिले की भी एप्लीकेशन दी थी कि उसे सेट असाइड किया जाए, वो तो डिसमिस हो चुकी थी। जब ये ज्यूरिसडिक्शन लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया था, अगर वो रिविजन को अलाउ कर देते एंड रिविजन को अलाउ करने के बाद वो एप्लीकेशन भी अलाउ हो जाती, तो जो यहाँ पे जस्टिस थे ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दैट इज बी वी नागरत्ना एंड उज्जैल भूषण, उन्होंने ऑब्जर्व किया वेदर इफ यू आर फाइलिंग अ सिविल रिविजन टू चैलेंज दैट इज द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट वेर दे हैव डिसमिस द एप्लीकेशन दैट इज अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी विद कॉर्डिनेशन ऑफ डिले, कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल की थी वो भी डिसमिस हो गई थी और इसके अकॉर्डिंग आप एक्स पार्टी डिग्री को भी चैलेंज कर रहे थे। अगर आप दोनों ही चीज़ को देखोगे तो दोनों ही एक साथ अलाउ हो जाओगे और इससे क्या होगा कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट वे इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पे एप्लीकेशन ही आके डिसमिस हुई है। अगर आप इसमें रिविजन कंसिडर करते हो कि यहाँ पे रिविजन होगी तो आप सिर्फ ज्यूरिसडिक्शनल एरर को नहीं कंसिडर कर रहे हो जो कि एक्सपायर्ड डिक्री में हुआ था, वहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन आपने लोअर कोर्ट में फाइल करी थी ऑर्डर 9 अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 में वो भी उस चीज़ में आ जाएगी, दायरे में आ जाएगी एंड इट विल कॉज अ लॉट ऑफ मीन्स क्लैरिटी नहीं रहेगी प्रोसेस में। सो इफ यू वॉन्ट टू ऑप्ट, अगर आपको इस चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को चैलेंज करना है जहाँ पे आप ये भी कंसिडर कर रहे हो कि लोअर कोर्ट ने एक तो एक्स पार्टे डिग्री वहाँ पे पास की है प्लस आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के साथ साथ आपने एप्लीकेशन फाइल की है टू सेट असाइड दी एक्स पार्टे डिग्री डैट इज अंडर बाय थ्रू ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी, इस चीज़ को आप अगर दोनों पैरामीटर्स को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपको अपील करना पड़ेगा, राइट, इन द हाई कोर्ट। फॉर दिस यू हैव टू गो फॉर अपील एंड दैट इज अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ द सीपीसी। सो मेजर रेमेडी व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एक्स पार्टे डिक्री वेर एक्स पार्टे डिक्री हैज़ बीन पास बाय द सिविल कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट हैज़ डिसमिस योर एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 विद कॉन्डनेशन ऑफ डिले, देन यू कैन चैलेंज इट थ्रू बाई गोइंग इन द अपील। आई मीन्स द मेन टू चैलेंज इज थ्रू अपील इज नॉट थ्रू रिविजन, जो कि ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ द सीपीसी में ये थ्रू आप जा सकते हो। दिस इज द कंडीशन जहाँ पे मीन्स एक पर्टिकुलर कंडीशन है यहाँ पे क्लियरली डिफाइन है कि अगर आपका एक्स पार्टे डिक्री है जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई है सिविल कोर्ट के द्वारा दी गई है, फिर वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फाइल की है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी विद कॉर्डिनेशन ऑफ डिले के साथ वो भी डिसमिस हुई है, देन ओनली यू कैन गो फॉर अपील। अपार्ट फ्रॉम दैट देर अदर रेमेडीज एज वेल बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेमेडीज। सो देर आर 3 रेमेडीज इफ़ यू कैन ऑफर इफ एक्स पार्टी डिग्री हैज़ बीन फाइल, यू कैन गो फॉर एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, राइट, अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 विद कॉर्डिनेशन ऑफ डिले। सेकेंड थिंग इज इफ लोअर कोर्ट हैज़ डिसमिस योर मीन्स ऑर्डर 9 रूल 13 एप्लीकेशन विद कॉर्डिनेशन ऑफ डिले, देन यू कैन गो फॉर अपील इन द हाई कोर्ट और एल्स वॉट यू कैन डू फॉर दैट थर्ड रेमेडी इज और एल्स वॉट यू कैन डू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज यू कैन गो फॉर रिव्यू इन द सेम कोर्ट वेयर इट हैज़ बीन डिसमिस्ड, मीन्स एक्स पार्टे डिक्री हैज़ बीन पास एंड यू हैव एंड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिसमिस्ड फॉर द रिव्यू थिंग यू कैन गो इन द सेम कोर्ट। तो दीज आर दी 3 रेमेडीज दैट यू कैन ऑफर, बट द थिंग्स दैट यू आर कंसिडरिंग इन दिस सिनेरियो दैट यू आर गोइंग फॉर रिविजन, सो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड बाई दी सुप्रीम कोर्ट एंड देन दे हैव आस्क्ड दैट यू कैन गो फॉर अपील, यू कैन गो नॉट कैनॉट गो फॉर सिविल रिविजन फॉर दिस।
this was the whole story of this particular thing and the observation that has been given by the Supreme Court. So the advocate from the appellant end was senior advocate C.S. Vaidyanathan, and another senior advocate was Gopal Shankara Narayanan, and from the responding end, and from the responding end was senior advocate Sergeant Puvaya. So this was the whole story, and the whole case study was about that how can you opt for the process in CPC. So you can go for an appeal under section 96 subsection 2 of CPC, and you can go for an appeal if your the ex parte decree, you want to set aside the ex parte decree, and you have filed the application under order 9 rule 13 that has also been dismissed by the civil court, then you can go for an appeal under section 96 subsection 2 of CPC, and that is under order 43 rule 1 of CPC, right? And another remedies are that you want to again set aside the ex parte decree, then you can also go in the same court for the review option. And if you want to again set aside, then you can opt for, if your application, you can file the application under order 9 rule 13 of CPC. Means these are the three options that you can opt for. Agar aapki under order 9 rule 13 ki application reject ho jati hai with combination of delay and ex parte decree jo hai usse aap set aside nahi kar pa rahe ho, then you can go for appeal. So this is applicable, your appeal is applicable with condition that ex parte decree has been filed and under order 9 rule 13 and with combination of delay your application has been dismissed, then you can go for appeal, or else you can go for review as well in the same court. And if your application has been allowed, then you don't have to go for appeal. And all the things that has been shared with you on my channel, stay tuned with me on my channel. Bye.